ये रेडियो इंटरनेशनल है नमस्कार यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नमस्कार चाइना स्वर्णिम चीन के रंग और चीन की कहानी प्रस्तुत किए जाएंगे सुने आज के मुख्य समाचार शी जिनपिंग ने दक्षिण अफ्रीका में भीषण बाढ़ पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को संवेदना संदेश भेजा चीन श्रीलंका को आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है और विश्व बैंक ने 2022 की वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर तीन दशमलव दो प्रतिशत किया दक्षिण अफ्रीका में भीषण बाढ़ आने पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को संवेदना संदेश भेजा शी जिनपिंग ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के क्वाना प्रांत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भयंकर बाढ़ आई जिससे जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है मैं चीन सरकार और चीनी लोगों की ओर से और अपने नाम से मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करता हूं और मरने वालों के परिजनों व घायलों के प्रति संवेदना जताता हूं। विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार के दृढ़ नेतृत्व में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोग आपदा से पार पा सकेंगे और अपने घरों का पुनर्निर्माण करने में सक्षम होंगे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वन ने उन्नीस अप्रैल को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पहली तिमाही में चीनी अर्थतंत्र के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि चीन में एक पूर्ण औद्योगिक प्रणाली है एक बड़े पैमाने वाला बाजार है सुधार और खुलेपन से कई लाभांश मिलता है और आर्थिक शासन क्षमता मजबूत है यह विभिन्न जोखिमों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम है और स्थायी व स्वस्थ आर्थिक विकास प्राप्त कर सकता है चीन ने विश्व अर्थव्यवस्था की बहाली में ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा डाली है पिन के मुताबिक पहली तिमाही में चीन में जीडीपी 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो उथल पुथल और परिवर्तन की वैश्विक स्थिति में प्राप्त वृद्धि है और हाल ही में जटिल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और घरेलू महामारी स्थिति के कुप्रभाव में हासिल वृद्धि भी है प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ये उल्लेखनीय बात है कि पहली तिमाही में चीन के माल के आयात और निर्यात में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में दस दशमलव सात प्रतिशत की वृद्धि हुई और विदेशी पूंजी के वास्तविक उपयोग में साल 2021 की पहली तिमाही से छबीस दशमलव छह प्रतिशत का इजाफा हुआ विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश दोनों में दो अंकों की वृद्धि देखने को मिली है जिससे वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने और विश्व अर्थव्यवस्था की निरंतर बहाली को बढ़ावा देने के लिए चीन का सकारात्मक योगदान प्रदर्शित हुआ है उन्नीस अप्रैल को चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता मंगवई ने कहा कि अब तक चीन ने एक देशों और बत्तीस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बेल्टन रोड के संयुक्त निर्माण पर 200 से अधिक सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत से चीन ने क्रमशः निकार्गो सीरिया अर्जेंटीना और मलावी चार देशों के साथ बेल्टन रोड के संयुक्त निर्माण पर अंतर सरकारी सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं चीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी के प्रवक्ता शिव वेई ने उन्नीस अप्रैल को कहा कि चीन ने श्रीलंका की आर्थिक कठिनाइयों पर ध्यान दिया है एक पारंपरिक मित्रवत पड़ोसी के रूप में चीन सरकार ने श्रीलंका को मौजूदा कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए श्रीलंका को आपातकालीन मानवीय सहायता देने का निर्णय लिया है विश्वास है कि श्रीलंकाई सरकार और लोग अस्थायी कठिनाइयों को दूर करने और आर्थिक व सामाजिक स्थिरता और विकास को बनाए रखने में सक्षम होंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटवाया राजपक्षे के नवनियुक्त सत्रह कैबिनेट मंत्रियों ने अठारह अप्रैल को शपथ ली उसी दिन शपथ ग्रहण करने वाले कैबिनेट मंत्रियों में बिजली और ऊर्जा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कृषि व सिंचाई मंत्री और मत्स्य मंत्री शामिल हुए वर्तमान में श्रीलंका के मंत्रिमंडल के 21 सदस्य हैं मार्च के अंत के बाद से श्रीलंका को विदेशी मुद्रा की कमी सामग्री की कमी बढ़ती कीमतों और बिजली आपूर्ति की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तीन अप्रैल की शाम को गोटवाया और महिंदा को छोड़कर मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों ने सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने तथा कथित दो देशों की मानव अधिकार स्थिति की रिपोर्ट जारी की और बांग्लादेश में मानव अधिकारों की स्थिति पर हमला किया इस बात के प्रति बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम ने 17 अप्रैल को मीडिया से कहा कि अमेरिका की यह रिपोर्ट मौलिक रूप से गलत है बांग्लादेशी सरकार निकट भविष्य में अमेरिका से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगेगी बांग्लादेश के घरेलू मामलों का प्रबंधन करना बांग्लादेशी सरकार की स्वयं जिम्मेदारी है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि अमेरिका की इस रिपोर्ट ने जॉन बांग्लादेश में सामाजिक और सरकारी स्थिरता को कमजोर करने के लिए एक कानून रहित समाज के निर्माण को प्रोत्साहित किया है विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने 18 अप्रैल को कहा कि उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति वित्तीय स्थितियों में सिकुड़न और रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में विश्व बैंक ने इस साल के लिए जनवरी में अपने वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमान को चार दशमलव एक प्रतिशत से घटाकर तीन दशमलव दो प्रतिशत कर दिया है मालपास ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की एक मीडिया गोल में सम्मेलन में कहा कि उच्च ऋण और बढ़ती वैश्विक विकास के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उच्च कर्ज के कारण 60 प्रतिशत के कम आय वाले देश कर्ज संकट में पड़ चुके हैं और 2022 में ऋण संकट जारी रहने की उम्मीद है मालपास विकासशील देशों की स्थिति के बारे में चिंतित है रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण ऊर्जा उर्वरक और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज वृद्धि ने इन देशों के सामने मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया है उनका मानना है कि सरकार को आपूर्ति बढ़ाने और मुद्रा को स्थिर करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए जिससे मुद्रास्फीति कम हो और आर्थिक विकास में वृद्धि हो रूसी सैनिकों ने डोनबास पर हमला करने की शुरुआत की है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 18 अप्रैल को यह बात कही यूक्रेनी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक उस दिन की रात ने वीडियो के जरिए बयान जारी किया जिसके मुताबिक रूसी सेना लंबे समय से डोनवास की लड़ाई की तैयारी कर रही है रूसी सेना ने इस बार के आक्रमण के लिए काफी संख्या में सैनिक तैयार किए हैं उन्होंने कहा कि भले ही डोनवास में रूसी सेना के कितने भी सैनिक हों यूक्रेन लड़ेगा और यूक्रेन कुछ भी नहीं छोड़ेगा यूक्रेनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा समिति के सचिव एलेक्सी डेनिप ने 18 अप्रैल को एक लाइव टीवी कार्यक्रम में कहा कि उसी दिन रूसी सेना ने डोनास्क लुआंस्क और खार्किव आदि क्षेत्रों से यूक्रेनी रक्षा रेखा को तोड़ने की कोशिश की है उन्होंने पश्चिमोत्तर लुआंस के क्रेमेनिया शहर और एक छोटे नगर में प्रवेश किया है लेकिन अब तक लड़ाई जारी है उसी दिन यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसके अनुसार रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में एक आक्रमण शुरू करेगी रूसी सेना रोस्तोव और क्रीमिया क्षेत्र में उनके मुख्य बलों का समर्थन करने वाले दूसरे बलों को तैयार कर रही है 24 अप्रैल को ये काम पूरा होने की उम्मीद है